पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद चैरिटेबल ट्रस्ट एंड हेल्थ रिसर्च सेंटर के सौजन्य से और किवानी क्लब नई दिल्ली के सहयोग से 128वां निशुल्क कृत्रिम अंग कैलिपर्स वितरण कार्यक्रम का आयोजन कांठोर स्थित विवेकानंद नर्सिंग कॉलेज में आयोजित किया गया। भाजपा नगर विधायक रितेश गुप्ता ने अन्य अतिथियों के साथ दीप प्रज्वलित और वृक्षारोपण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। अतिथियों ने स्वर्गीय विनोद खन्ना और स्वर्गीय एल आर तलवार की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण किया। कार्यक्रम का संचालन यस के चेयरमैन जीपी सिंह ने किया। दरअसल बीमारी या हादसे का शिकार होकर अपने हाथ पांव गंवा चुके गरीब असहाय और बेसहारा लोगों का ट्रस्ट सहारा बन रहा है। इसमें विकलांग बच्चों, महिलाओं और पुरुषों को कृत्रिम अंग का वितरण किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे अतिथियों ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा डीजी शक्ति योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों के लिए निशुल्क उपलब्ध कराई गई टैबलेट्स को बांटा गया। इस दौरान एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डॉक्टर गीतेश मानिक, डॉक्टर मयंक, डॉक्टर सुदीप चक्रवर्ती ने चिकित्सा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए विनोद खन्ना एप्रिसिएशन अवार्ड देकर सम्मानित किया। आज मुरादाबाद चैरिटेबल ट्रस्ट एंड हेल्थ रिसर्च सेंटर, जिसके अधीन एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल व विवेकानंद नर्सिंग कॉलेज का संचालन हो रहा है, आज 128वां कैंप, जिसके मुख्य अतिथि श्री अनुज कुमार सिंह, जिलाधिकारी मुरादाबाद, और माननीय श्री रितेश कुमार गुप्ता जी, विधायक मुरादाबाद थे, और उसके साथ साथ मुरादाबाद एक्सपोर्टर एसोसिएशन की तरफ से नजमुल इस्लाम साहब, EPCS की तरफ से अवधेश अग्रवाल जी, बाइंग एजेंट एसोसिएशन की तरफ से तानिया भाटिया जी, मिली सिक्का जी, प्रिया अग्रवाल जी, विनय गुलाटी जी, और ये सब लोग जो है यहाँ मौजूद थे, और इन सब लोगों के मार्गदर्शन से ही आज ये 128वां कैंप, जो कि विकलांग बच्चे हैं, उन लोगों को हमने, बच्चों और लेडीज़ और जेंट्स दोनों को हमने जो है आज 200 लोगों को जो है आज पुनर्जन्म दिया है, खड़े होने का अवसर दिया है। और उसके साथ साथ जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का हमारा एक प्रोग्राम चल रहा है, जो कॉलेजेस के जो एक इस तरह के बच्चे हैं जो अपने आप में बहुत हार्ड वर्कर्स हैं, तो 308 टैबलेट्स का आज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, जिसमें उन बच्चों को लिया गया है जो चिन्हित हुए हैं गवर्नमेंट की तरफ से। और मैं यूपी गवर्नमेंट का भी धन्यवाद अदा करना चाहूँगा कि इस तरीके के टैबलेट्स दे करके बच्चों को आगे बढ़ा करके आगे बढ़ाना, ये एक बहुत सराहनीय कदम है। और जितने भी मेहमान लोग यहाँ मेरे आए हैं, उनको मैं ट्रस्ट की तरफ से धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। आज विवेकानंद चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से 128वें कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें 200 लोगों को कृत्रिम लिंग लगाए जा रहे हैं, और माननीय विधायक जी और DM साहब इसके मुख्य अतिथि रहे। और ये जो कार्यक्रम है, जो विवेकानंद ट्रस्ट की ओर से है, नीरज खन्ना जी का प्रयास है कि कोई भी हमारे देश में विकलांग न रहे, जन जन तक हम हाथ पैर पहुंचाएं, उस रास्ते में हम लोग भी साथ में हैं, काफिले में। और आप देख रहे हैं कि हमारी बहन प्रिया और तानिया, हमारे डल साहब, तो मैं इनके प्रयासों को और विवेकानंद ट्रस्ट के प्रयासों को वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ कि नीरज जी मुरादाबाद ही नहीं अपितु पूरे भारत के विकलांगों के लिए काम करें और हम उनके सहयोगी रहें। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, मेरा आभार, धन्यवाद। शुभ अवसर है, हमें ये मौका मिला है कि हम विवेकानंद चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ, नीरज भैया के साथ और उनकी सारी टीम को सहयोग दे सकें। ये भी एक बहुत किस्मत वाले को अवसर मिलता है कि जब कोई कोई अच्छा कार्य कर रहा है तो उसके साथ में खड़े होने का, अपना योगदान देने का आपको अवसर मिले। कि जैसे कहते हैं ना कि आप किसी शुभ काम में आपके भी हाथ लग जाएँ। सो
आज बच्चों को यहाँ पे टेबलेट्स दिए गए हैं और हमारी ये मेरी प्रार्थना है कि ये बच्चे जो हैं इस टेबलेट से अपने आगे की उड़ान भरें, अपने इसको अच्छे कार्य में यूज़ करें जो इनको सहयोग दिया गया है। और जो लिम्स आर्टिफिशियल लिम्स की जो प्रक्रिया होने जा रही है जिसमें कि बच्चों को और लेडीज़ को जिनके जो विकलांग हैं उनको आर्टिफिशियल लिम्स दिए जा रहे हैं, वो भी आज लाइफ में एक अपना एक नया रास्ता ढूंढ पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे, उनको ये माध्यम दिया जा रहा है। तो मेरी उन सबको बहुत तहे दिल से मुबारकबाद है और सारी टीम को विवेकानंद चैरिटेबल ट्रस्ट की जिन्होंने जो ये पॉसिबल कर पाते हैं, जो इस एक इंटेंशन को मकाम दे पाते हैं, उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, उनके हार्डवर्क को सलाम, उनकी टीम को, उनके लीडर को, नीरज भैया को, सबको। सबसे पहले तो मैं मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहूँगी ट्रस्ट विवेकानंद हॉस्पिटल को जिन्होंने आज ये 128 जो फ्री कैंपेन करा है उन सभी लोग विकलांग लोगों के लिए जिनके लिए हम लोग उनको आज एक नया जीवन दे पाए हैं, चाहे वो कोई फीमेल हो, चाहे कोई बच्चा हो, चाहे कोई बुजुर्ग हो, चाहे कोई बड़ा हो। साथ साथ इन कोलेबोरेशन विद IWC जो लिखा हुआ है इसमें पीछे किव एंड क्लब के थ्रू, प्लस इन्होंने 200 बच्चों को एक टैबलेट दिया है जिनके थ्रू उनका बहुत फ्यूचर, आने वाला कमिंग फ्यूचर बहुत ब्राइट होगा। तो मैं यही एक्सपेक्टेशन करती हूँ कि आगे नीरज भैया ऐसा काम करते रहेंगे एंड मुझे इस काम में आगे लाते रहेंगे अपने साथ। थैंक यू सो मच एंड मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल द टीम मेंबर्स। थैंक यू। क्या नाम आपका? ताहिर अली। कहाँ से आए आप? ग्राम बाष्टा, तहसील चांदपुर, डिस्ट्रिक्ट बिजनौर। क्या हुआ था आपके बच्चे को? 6-5 साल के बाद में इसको मसल्स डिस्ट्रोफी हो गई, उसकी वजह से इसकी जो है सारे मांसपेशियों ने काम करना बंद कर दिया और इसके पैर जो है मसल्स जो है इसकी सुखड़ने लगी, फिर पूरी बॉडी ने काम करना बंद कर दिया इस बच्चे की। आप क्या कंडीशन है? अभी इसको ये हैंडीकैप, ये जूते बनवाए इसको, पहले ही बनवाए थे तो कुछ फर्क है इसको खड़ा करने से, पहले खड़ा नहीं होता था जैसे, तो अब पकड़े खड़ा कर लेते हैं इसको, तो बहुत फर्क है पहले से। जी कैंप में लगा था जी, कम्प्लीट हो गया। नहीं जी कोई चार्ज नहीं। हाँ कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। संस्था कैसे काम कर रही है? क्या जिस संस्था सही काम कर रही है, जिस चीज़ को कहते हैं उसको ये सॉल्व करते हैं, जो कोई समस्या होती है। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।